हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 9th of March और आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे। वैसे इसे सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष ये आज 9th March को मनाया जाता है। ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़ा सकें लोगों के बीच अबाउट द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड टू इनकरेज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू क्विट स्मोकिंग। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स, आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने इसको जारी किया है, जिसमें इंडिया का स्कोर है इन द इंडेक्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ वर्किंग वूमेन इज एट 74.4% आउट ऑफ 100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, आपसे पूछा जा रहा है। 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आस्था सक्सेना, संजीव शंकर दुबे, गिरीश चंद्र मुर्मू या सोमा रॉय बर्मन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव शंकर दुबे को 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस शहर में सुशासन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, जयपुर, भोपाल या आगरा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और ये एक 2-डे कॉन्फ्रेंस होगा जिसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफेंस एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट, आपसे पूछा जा रहा है। रक्षा अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन केरल में किया गया है और ये फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी और इसको कंडक्ट किया गया है पेगोडा मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरला के पास। इस एक्सरसाइज का एम है इन्हांस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ फोर्सेस एट टैक्टिकल लेवल। फ्रांस की बात करें तो ये एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है पेरिस और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन और प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बॉर्न। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विल बी हेल्ड इन विच सिटी, आपसे पूछा जा रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं लद्दाख, श्रीनगर, न्यू दिल्ली या शिलोंग। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच का सत्र है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इस वर्ष इसकी थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह,
with the Minister of States and Union Territories. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सैवलॉन इंडिया हैज़ नेम्ड विच स्पोर्ट्स पर्सन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर. आपसे पूछा जा रहा है सैवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है. आपके ऑप्शंस हैं राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बाईचुंग भूटिया या पीवी सिंधु. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बनाया गया है टू इंस्पायर विलियंस टू वॉश देयर हैंड्स. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच एयरपोर्ट वॉज रेटेड द बेस्ट एयरपोर्ट एट एज पर ACI ASQ अवार्ड्स 2022. ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित है. आपको बताना है कि बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है. ये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी से संबंधित है और आपको बताना है कि इस सर्विस क्वालिटी के आधार पर कौन सा एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट है. आपके ऑप्शंस हैं कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट या तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेट किया गया है एज द बेस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड. आपसे पूछा जा रहा है विश्व का प्रथम बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया. आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या केरला. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. बैम्बू क्रैश बैरियर का स्थापना किया गया है महाराष्ट्र में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु वन द सीज़न ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023. आपसे पूछा जा रहा है सीज़न ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है. आपके ऑप्शंस हैं मैक्स वेस्टपन, रॉजर फेडरर, सर्गियो पेरेज या फर्नांडो अलोंसो. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. मैक्स वेस्टपन जो कि फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियन है, इन्होंने जीता है हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ग्लोइंग ग्लोइंग गॉन कैंपेन इज रिलेटेड टू. आपसे पूछा जा रहा है ग्लोइंग ग्लोइंग गॉन कैंपेन किस चीज़ से संबंधित है. आपके ऑप्शन हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स, रिडक्शन ऑफ मेथेन एमिशन, ग्रीन हाइड्रोजन या प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ग्लोइंग ग्लोइंग गॉन कैंपेन ये कोरल रीफ के बचाव से संबंधित है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.